मित्रों, जैसा कि आपको बता दिया जाए कि सावन सोमवार 4 जुलाई से स्टार्ट होने वाले हैं और दोस्तों ये सावन सोमवार करीब 19 साल में पहली बार आएंगे, जो बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होंगे और जो भी अपनी मनोकामना रखेगा उनके शिव जी के सामने वो उनकी बहुत ही जल्दी पूरी होने वाली है। दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होने वाली है और दोस्तों आने वाले समय में आपकी किस्मत चमकने वाली है। चाहे वो किसान हो, गरीब से गरीब, उसकी भी आने वाले समय में वो लाखों से खेल सकता है। तो दोस्तों उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना क्योंकि आपका साथ ही हमारा सहयोग है। तो दोस्तों आपको बता दिया जाए कि शिव जी को प्रसन्न करने के बहुत सारे प्रमुख रास्ते हैं, लेकिन हमें वो रास्ते से भी ज़्यादा बहुत सारे रास्ते हैं जो हम छोटे मार्गों के साथ बताएंगे आपको। तो दोस्तों आपको बता दिया जाए कि शिव जी को बेलपत्र चढ़ाने से और साथ में ही गन्ना, गंगा जल, दूध चढ़ाने से शिव जी काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और दोस्तों उन भक्तों की वो मनोकामना बहुत ही जल्दी पूर्ण करते हैं। दोस्तों उनके घर में लक्ष्मी जी का हमेशा वास बना रहता है, दोस्तों ऐसा हमारे शिव पुराण में भी कहा गया है। और दोस्तों अगर आप विश्वास नहीं करते हो तो आप अपने गूगल साइट पर भी जाकर देख सकते हो, दोस्तों ऐसा हमारे इतिहासों में भी लिखा गया है। तो दोस्तों एक बार आप ऐसा ट्राई जरूर करना और दोस्तों आपको जिस दिन आप बेलपत्र नुवोर चढ़ाओ उस दिन आप खान पान का। फिर मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद मित्रों।